अहमदाबाद गुजरात से श्री अजित कुमार सी जैन कह रहे हैं कि नवकार मंत्र की आराधना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, नमोकार मंत्र को तो चाहे जब आप आराधे, ये ऐसा उदार और इतना श्रेष्ठ मंत्र है कि हमारे सब प्रकार के मंगल का कारण है। जब चाहे तब नमोकार मंत्र पढ़े। देखिए, इस मंत्र की कुछ विशेषता आपको बताऊं। मंत्र बहुत सारे, पर नमोकार मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे सभी मंत्रों से अलग स्थान दिलाता है। सबसे पहली विशेषता कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जिन्हें नमन किया गया, कोई व्यक्ति नहीं है। ये गुणवाची शब्द है। दूसरी, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम कुछ नहीं। तीसरी बात, ये केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों के काम में आता है, इससे कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। चौथी बात, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। सीधा पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच से पढ़ो तो, पूरा मंत्र पढ़ो तो, अधूरा मंत्र पढ़ो तो, नमोकार मंत्र के पांचों पद को पढ़ो तो, एक पद को पढ़ो तो, दो पद को पढ़ो तो, तीन पद को पढ़ो तो, अथवा एक पद के एक अक्षर को भी पढ़ो तो, अरहंतानम के अ को बोल दो, सिद्धानम के सी को बोल दो, आयरियानम के आ को बोल दो और उवाध्यायनम के ऊ को बोल दो और साहूनम के सा को बोल दो, तो भी मंत्र है। ये खिलवाड़ किसी दूसरे मंत्र से मत करना। ये नमोकार मंत्र ही है जिसे आप किसी रूप में भी बच सकते हो। और अन्य मंत्रों को सिद्ध करना होता है, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। ये हमारी भाव विशुद्धि का कारण है, कर्म निजरा का कारण है। शास्त्र के विधान अनुसार नमोकार मंत्र के एक अक्षर बोलने पर सात सागर के पाप नष्ट होते हैं, एक पद का उच्चारण करने पर 50 सागर का पाप नष्ट होता है और संपूर्ण मंत्र को एक बार पढ़ लेने पर 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्ये गुण कम्मक है कारवती। ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्ति ये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर क्रिया में भक्ति पूर्वक नमोकार करना चाहिए। नमोकार के विषय में मैंने अपने प्रवचनों में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें और जानना है वहाँ सुन सकते।